लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा हर जगह देखने को मिल रहा है। हरियाणा के चुनावी दंगल में बीजेपी, कांग्रेस के बाद अब जेजेपी ने बगावत कर दी है। जेजेपी ने अपने 5 और प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। साथ ही पार्टी ने करनाल विधानसभा उपचुनाव के लिए भी अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। ये सीट पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी और अब 25 मई को लोकसभा चुनाव के साथ इसमें उपचुनाव भी होने वाले हैं। जननायक जनता पार्टी ने अंबाला लोकसभा सीट से किरण पूनिया को, कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से पालाराम सैनी को, करनाल लोकसभा सीट से देवेंद्र कदयान को, सोनीपत लोकसभा सीट से भूपेंद्र मलिक को, जबकि रोहतक लोकसभा सीट से जेजेपी युवा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सांगवान को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं करनाल विधानसभा उपचुनाव के लिए राजेंद्र मदान उर्फ रामा मदान को चुनाव में उतारा है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद करनाल विधानसभा की सीट खाली हुई थी और मार्च में मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री के पद के इस्तीफे के साथ साथ विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया था। बात करनाल सीट की हो रही है तो हरियाणा की सबसे हॉट सीट में शुमार इस सीट पर बीजेपी से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल उम्मीदवार हैं। कांग्रेस की तरफ से दिव्यांशु बुद्धि राजा को पूर्व सीएम के खिलाफ उतारा गया है। वहीं जेजेपी ने देवेंद्र कादियान को मौका दिया है। दिव्यांशु बुद्धि राजा की बात करें तो वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है और वो NSUI के नेता भी रह चुके हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रधान भी। बुद्धि राजा राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के काफी नजदीकी बताए जाते हैं। कांग्रेस ने करनाल लोकसभा पर दिव्यांशु बुद्धि राजा को उम्मीदवार उतारकर पंजाबी कार्ड खेलकर भी अपनी मजबूती दिखाने की कोशिश की है। वहीं बात अब हम जेजेपी के देवेंद्र कादियान की करें तो देवेंद्र कादियान जेजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष है और देवेंद्र कादियान के पिता सतबीर कादियान भी राजनीति से कई वर्षों तक जुड़े रहे हैं। कादियान पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के नजदीकी रिश्तेदार बताए जाते हैं। हरियाणा की करनाल विधानसभा सीट पर 25 मई को लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस सीट से इस्तीफे के बाद यहां पर उपचुनाव करवाने की अब जरूरत पड़ी है। दरअसल हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अपना इस्तीफा दिया था, जिसके बाद सैनी को हरियाणा का सीएम बनाया गया और करनाल सीट पर सीएम सैनी उपचुनाव लड़ रहे हैं। जहां एक और सीएम सैनी के लिए ये उपचुनाव साख का सवाल है, वहीं कांग्रेस ने सीएम सैनी के खिलाफ अभी तक कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया है और जेजेपी ने करनाल विधानसभा उपचुनाव के लिए राजेंद्र मदान को अपना उम्मीदवार बनाया है। करनाल सीट के इतिहास से आपको रूबरू करवाएं तो हरियाणा की करनाल लोकसभा सीट पर कांग्रेस का दबदबा हमेशा से रहा है। इस पर कांग्रेस ने 9 बार चुनाव जीता है, लेकिन 4 बार भारतीय जनता पार्टी ने भी इस पर अपनी जीत दर्ज की है। लेकिन इस पर मुकाबला कड़ा होने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री का एक्सपीरियंस रख चुके पूर्व सीएम मनोहर लाल के अगेंस्ट में युवा अध्यक्ष, युवा नेता को उतारा गया है। चाहे बात हम कांग्रेस की करें या जेजेपी की करें, दोनों ने अपने युवा नेताओं को मनोहर लाल के सामने उतारा है। जहां मनोहर लाल 2 बार सीएम रहने का अपना तजुर्बा रखते हैं और उनका राजनीतिक इतिहास काफ़ी पुराना है, वहीं जो युवा नेता हैं वो युवाओं में अपनी काफ़ी पैठ रखते हैं। तो ऐसे में मुकाबला करनाल सीट पर टक्कर का होने वाला है। अब इस बार करनाल सीट पर जीत का परचम कौन सा चेहरा लहराता है, इसका फैसला 4 जून को होगा। लेकिन बीजेपी के लिए करनाल सीट काफ़ी चुनौतियों से भरी हो सकती है। एक और पूर्व सीएम लोकसभा चुनाव में दावेदारी ठोक रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मौजूदा सीएम को अपनी कुर्सी बचाने के लिए उपचुनाव लड़ना पड़ रहा है। बहरहाल करनाल के चुनावी रण में इस समय काफी गहमा गहमी है और इस सीट पर जीत के लिए सभी पार्टियां जी तोड़ मेहनत में जुटी हैं। देखना होगा करनाल सीट पर बाजी कौन मारता है।